بسم الله الرحمن الرحيم ونزل لما استعجل المشركون العذاب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم أي كاستعجالهم بالخير لقضي بالبناء للمفعول والفاعل إليهم أجلهم بالرفع والنصب بأن يهلكهم ولكن يمهلهم فنذر نترك الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يعمهون يترددون متهيرين وإذا مس الإنسان الكافر الزر والمرض والفقر دعانا لجنبه أي مزدجرا أو قائدا أو قائما أي في كل حال فلما كشفنا عنه زره مر على كفره كأن مخففا واسمها محذوف أي كأنه لم يدعنا إلى زر مسه كذلك كما زين له الدعاء عند الزر والإعراض عند الرخاء زين للمسرفين المشركين ما كانوا يعملون ولقد أهلكنا القرون الأمم من قبلكم يا أهل مكة لما ظلموا بالشرك وقد جاءتهم رسلهم بالبينات الدالات على صدقهم وما كانوا ليؤمنوا أطف على ظلموا كذلك كما أهلكنا أولئك نجزي القوم المجرمين الكافرين لغة دیکھیے يعجلوا أجل يعجلوا تعجيل باب تفعيل سے جلدی کرنا استعجال باب استفعال سے مصدر ہے کسی چیز کو جلدی طلب کرنا قضیہ باب ضرب یضرب سے قضا یقضی قضاء فیصلہ کرنا طے کرنا اجل مدت عرصہ وقت مقرر جمع آجال نظر سمع سے ہے وزیر یزر وزرن چھوڑنا اس کا صرف مضارع اور امر استعمال ہوتا ہے ماضی کے لیے ترکہ کا لفظ آتا ہے طغیان فتح سے تغا یا تغا طغیان حد سے بڑھنا سرکشی کرنا یا مہور فتح سے آمہ یا مہو امان راستہ بھٹک کر پریشان ہونا کہ کہاں جائے تردد میں پڑنا مس سمیا سے مس یا مسو مسن چھونا ہاتھ لگانا ازر اس کے معنی تکلیف زینا فعل ماضی ہے زینا زینا یزین و تزین باب تفعیل سے مزین کرنا خوبصورت کر کے دکھانا اہلکنا فعل ماضی سے گا جمع متکلم اہلک یہلک اہلاک باب افعال سے ہلاک کرنا قرون یہ قرن کی جمع ہے زمانہ ترجمہ دیکھیے اور اگلی آیت اس وقت نازل ہوئی جبکہ مشرکین نے عذاب کو جلدی طلب کیا
और अगर अल्लाह तबारक ताला लोगों के लिए शर को जल्द वाक़े कर देता, उनके खैर को जल्दी तलब करने की तरह, तो उनका तमाम काम ही तमाम कर दिया गया होता। बिल बिनाए लिल मफ़ूल यानी फेले मजहूल के साथ, वल फ़ाइल और फेले मारूफ के साथ, बिर्रफ़ वन्नस्ब अजल मरफू भी हो सकता है और मनसूब भी, बई तौर के उनको हलाक कर देता लेकिन अल्लाह ताला उनको मोहलत देता है, चुनांचे हम उनको छोड़ देते हैं जो हमारी मुलाकात से डरते नहीं हैं। उनकी सरकशी में वो हैरानों परेशान हैं, तरद्दुद और तहय्युर में पड़े हुए हैं। और जब काफिर इंसान को मुसीबत यानी मर्ज और फ़क्र वगैरह पहुंचती है तो हमको पुकारता है अपने पहलू के बल यानी करवट लेटे हुए या खड़े खड़े या बैठे बैठे यानी हर हाल में। फिर जब हम उनसे उनकी मुसीबत को दूर कर देते हैं तो अपने कुफ्र पर कायम रहता है, गोया के ये अन मुखफ़फ़ा मिनल मुसक्कला है और उसका इसम महजूफ है। असल इबारत है का अनहु, गोया के उसने हमको अपने मुसीबत के लिए बुलाया ही नहीं जो मुसीबत उनको पहुंची। इसी तरह जैसा कि उनके लिए मुसीबत के वक्त दुआ करना और वसअत के वक्त अल्लाह से एराज करना भला मालूम हुआ, इसी तरह अच्छा करके दिखाया गया हद से तजावुज़ करने वाले यानी मुशरिकीन के लिए उनका वो अमल जिसको वो करते थे। और तहकीक के हमने बहुत सारी उम्मतों को हलाक कर दिया तुमसे पहले ऐ अहले मक्का, जबकि उन लोगों ने शिर्क इख्तियार करके जुल्म किया, हालांकि उनके पास उनके रसूल वाज़ह दलाइल लेकर आए जो उनके सच्चाई पर दलालत कर रहे थे और वो ईमान लाने वाले न थे। ये ज़लमों पर अत्फ है। इसी तरह जैसा कि हमने उनको हलाक किया इसी तरह हम सज़ा देते हैं मुजरिम लोगों को यानी काफिर लोगों को। शुरू सूरत में नबूवत का इनकार करने वालों को उनके एतराज़ात का खामोश कुन जवाब दिया गया था। अगली आयत में एक दूसरे बेबुनियाद एतराज़ का जवाब दिया जा रहा है कि कुफार अक्सर ये कहा करते थे कि अगर आप खुदा के सच्चे नबी हैं तो उनकी मुखालफत करने पर अजाब क्यों नहीं आता और आसमान से हम पर पत्थर क्यों नहीं बरसते और हम हलाक क्यों नहीं कर दिए जाते। लिहाजा अल्लाह ने उनके इसी शुबह का जवाब इस तरह दिया है कि मुनकरीन और मुखालिफीन पर फौरन अजाब नाजिल न करना इसलिए नहीं है कि हमको अजाब नाजिल करने की कुदरत नहीं है, बल्कि असल वजह यह है कि हमारी हिकमत और रहमत के ये खिलाफ बात है। चुनांचे जिस तरह हम रहमत नाजिल करने में जल्दी करते हैं इसी तरह अगर उनको हलाक करने में भी जल्दी करने लगें तो उनका काम ही तमाम हो जाएगा। और अल्लाह की हिकमत और रहमत यही है कि उनको हलाक करने में जल्दी न की जाए, शायद इसे अपने करतूत से तायब हो जाएं।
चुनांचे फरमाया जा रहा है कि लौ युअज्जिलुल्लाहु लिन्नासि शर्रस्तेजालहुम ऐ का इस्तेजालहिम बिलखैर लकुज़िया इलैहिम अजलुहुम, यानी अगर अल्लाह ताला लोगों पर उनके जल्दी मचाने के मुआफिक जल्दी से नुकसान वाक़े कर दिया करता जिस तरह वो फ़ायदा के लिए जल्दी मचाते हैं और वो फ़ायदा जल्दी वाक़े कर देता है, इसी तरह अगर नुकसान भी वाक़े कर दिया करता तो उनका वादे अजाब कब का पूरा हो चुका होता। मुफसिर अल्लाम ने फरमाया ऐ का इस्तेजालहिम, इससे इस बात की तरफ इशारा मकसूद है कि इस्तेजालहुम मजदर है मफूल मुतलक वाक़े है, असल में है इस्तेजालम मिसल इस्तेजालहिम, मौसूफ यानी इस्तेजालन को हजफ करके सिफत यानी मिसल इस्तेजालहिम को मौसूफ यानी इस्तेजालन के कायम मकाम कर दिया गया, फिर मुजाफ यानी मिसल को हजफ कर दिया गया और मुजाफ इलैह यानी इस्तेजालहिम को मुजाफ यानी मिसल का दर्जा दे दिया गया तो इस्तेजालहुम हो गया। अल्लाह ने इस आयत करीमा में अपने बंदों को इस बात का अदब सिखलाया है कि बुरी चीज़ों की दुआ मत करना बल्कि अच्छी चीज़ों की दुआ करते रहना कि तुम्हारी दुआ मकबूल हो सके और तुम्हारा मतलूब हासिल हो सके। यहाँ जो अजाब को जल्दी तलब करने वाले मुशरिकों का जिक्र है इससे मुराद बकौल बाज नजर बिन हारिस है कि उसी ने कहा था अल्लाहुम्मा इनकान हाजा हुवल हक मिन इंदिका फअम्तिर अलैना فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ السَّمَاءِ، آگے لَقُضِيَ میں دو قرآت ہے لَقَضَى اور لَقُضِيَ، اسی کو مفسر علام بِالْبِنَاءِ لِلْمَفْعُولِ وَالْفَاعِلِ سے بیان کر رہے ہیں، آگے اَجَلُهُمْ کو بھی دو طرح پڑھ سکتے ہیں، قُضِيَ کا نائب فاعل ہونے کی بنا پر مرفوع और क़ज़ा का मफूल भी होने की वजह से मंसूब। इसी को मुफसिर अल्लाम ने बिर्रफ़ व नस्बे से बयान फरमाया है क़ुज़िया अजलुहुम से मुराद उनको हलाक करना है। इसी को मुफसिर अल्लाम ने बेअन युहलिकहुम से बयान फरमाया है। आगे फरमाया गया फ़नज़रुल्लज़ीना ला यर्जूना लिक़ाअना फ़ी तुग़यानिहिम यअमहून, मतलब ये है कि हमारी आदत यही है कि अक्सर अच्छी दुआओं को जल्द कबूल करते हैं, कभी कभार मसलहत की वजह से कबूल नहीं करते, मगर जो इंसान अपनी नादानी से अपने अहल आयाल के लिए बददुआ कर बैठता है या इनकार आखरत करने की वजह से अजाब को खेल समझते हुए अपने लिए अजाब को दावत देता है तो हम उसकी दुआ को फौरन कबूल नहीं करते बल्कि मोहलत देते हैं ताकि इनकार से बाज आने का मौका मिले। फ़नज़रुल्लज़ीना से पहले वलाकिन युमहिलुहुम लाकर इस बात की तरफ इशारा मकसूद है। यहाँ फ़नज़रु का अत्फ फ़ेल मुकद्दर यानी युमहिलुहुम पर हो रहा है, मतलब ये है कि उनको उनकी सरकशी में छोड़ने का मकसद ये है कि वो अपनी तुगियान और सरकशी में सरगर्दा रहें और अजाब के मुस्तहिक हो जाएं जिससे फ़िरार की कोई शक्ल बाकी न रहे। यहाँ ला अर्जुन लिका अना का माना है ला यखाफून इकाब अना वला युमेनून बिलबास बादल मौत, और तुगियान से मुराद बास बादल मौत का इनकार है और उनके अकवाल शनिया हैं। और या महून ला यर्जूना के फ़ाइल से हाल वाक़े है। आगे फरमाया गया वईज़ा मसल इंसान ज़ुर्र इला आखिरिल आया, माँ कबल से इस आयत की मुनासबत ये है कि माँ कबल में इंसान को अपने वास्ते मुसीबत और अजाब की बददुआ पर तौबीख थी, आगे की आयत में उनके नहायत इज्ज़ और ज़ोफ़ को बयान किया जा रहा है।
और इस बात को भी बयान किया जा रहा है कि इंसान किसी भी चीज को वजूद देने और मादूम करने पर कुदरत नहीं रखता। यहाँ इंसान के बाद अलकाफिर के जरिए तफसीर लाई गई है। इस बात पर इशारा मकसूद है कि अल इंसान पर अलिफ लाम अहद का है, मुराद इससे काफिर इंसान है। और अल्लामा सावी ने फरमाया कि नाकिसुल ईमान और मासी में मसरूफ आदमी भी उसी के मानिंद है। लिजम बेही ये दाना के फाइल से हाल है और लाम अला के माने में है, और कायदन और कायमन में औ वाओ के माना में है। मुफसिर अल्लाम ने फी कुल हालिन कहकर इसी की तरफ इशारा किया है। मतलब ये है कि मुनकिरीन तौहीद व आखरत तो आम हालत में खुदा और आखरत के खिलाफ हुज्जत बाजी करते हैं, मगर जब उन पर मुसीबत आ पड़ती है तो अपनी सारी आस गैरुल्लाह से तोड़कर सिर्फ अल्लाह ही को पुकारते हैं, लेटे लेटे बैठे बैठे खड़े खड़े, यानी हर हाल में उसी को पुकारने पर मजबूर होते हैं। मगर जब अल्लाह उनकी मुसीबत को दूर कर देते हैं तो उनकी एहसान फरामोशी का ये हाल होता है कि खुदा से ऐसे बेफिक्र और आज़ाद हो जाते हैं कि गोया कभी उसको पुकारा ही नहीं था। इससे मालूम हुआ कि अल्लाह के साथ हाजत रवाई में दूसरों को शरीक करने वाले खुद भी अपने अकीदे के बुतलान का कभी कभी मुशाहदा कर लेते हैं, मगर फिर भी अपने इनाद की वजह से उसी बातिल अकीदे पर जमे रहते हैं। आगे फरमाया गया कज़ालिक ज़ुय्यिन लिल्मुसरिफीन, यानी जिस तरीके से बवक्ते मुसीबत दुआ करना और बवक्ते राहत अल्लाह से एराज करना उन मुशरिकीन को अच्छा मालूम हुआ, इसी तरह दूसरे आमाल भी उनको अच्छे मालूम होने लगे। यहाँ मा कानू या मलून से मुराद इसियान और नाफरमानी है। बाज ने कहा कि मा कानू या मलून से मुराद अद्दुआ इंदल बला व तरकु शुक्र इंदर रखा है। आगे फरमाया गया वलकद अहलकन القرون الامم من قبلكم الى اخر الايه। इस आयत करीमा में माँ कबल वाले आयत के मजमून की मजीद तौजीह और ताकीद इस तरह की गई है कि अल्लाह के ढील से कोई ये न समझे कि दुनिया में अजाब आ ही नहीं सकता, बल्कि पिछली कौमों की तारीख पर नजर रखे कि उन पर उनकी सरकशी और नाफरमानी की सजा में मुख्तलिफ किस्म के अजाब इसी दुनिया में आ चुके हैं। लेकिन इस उम्मत पर अगरचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इकराम की वजह से अजाब आम न आएगा, लेकिन ये बात याद रखने की है कि अजाब इलाही से बेफिक्री उनके लिए बिल्कुल जायज़ नहीं, क्योंकि पूरी उम्मत और पूरी दुनिया पर अजाब आम न भेजने का वादा ज़रूर है, लेकिन ख़ास अफराद और ख़ास कौमों पर अजाब का आ जाना अब भी मुमकिन है। यहाँ अहलकनल कुरून में कुरून से मुराद अहले कर्न यानी गुज़श्ता उमम, जैसे कौम नूह, कौम आद, समूद वगैरह। आगे फरमाया गया लम्मा ज़लमू बिशिर्क, बिशिर्क लाकर ये बताना मकसूद है कि शिर्क जुल्म ही की एक सूरत है। इन शिर्क लज़ुल्मुन अज़ीम, मतलब ये है कि उनको हलाक करने की दो वजह थी, एक उनका जुल्म, दूसरा उनका अदम ईमान। इस आयत करीमा का मतलब ये है कि उनको हलाक करने की दो वजह थी, एक उनका जुल्म, दूसरा उनका अदम ईमान। पहले को लम्मा जलमू से बयान किया गया और दूसरे को माकानु लियू मेनू से बयान किया गया। और जाअत हम रसुलहुम में कद बढ़ाकर इस बात की तरफ इशारा किया गया कि जाअत हम रसुलहुम जुमला हालिया है और जुमला फेलिया माजिया जब हाल वाक़ होता है तो
तो कद का लाना जरूरी होता है, खाह लफजन या तकदीरन। यहाँ पर तकदीरन है। कज़ालिक नज़्ज़िल क़ौमल मुजरिमीन से अल्लाह ने एक ज़ाब्ता बयान फरमाया है कि हम मुजरिमीन को इसी तरह सजा देते रहते हैं जैसा कि पहले लोगों को सजा दिया, अब भी उस तरीक पर चलने वाले मुजरिम उसी तरह की सजा के मुस्तहिक होंगे। क्यों? अल्लाह का ज़ाब्ता है, जो जुर्म में शरीक होगा सजा में भी शरीक होगा। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।